సద్గురులతో శరణాగతులతో శ్రీభూసతులతో శరణాగతులతో ఏడు కొండల పైన చక్కగా వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ భవభయకరమేకం భానుకోటి ప్రకాశం కరధృత శరచాపం కాలమేఘావభాసం కనకరుచిరవస్త్రం రత్నవత్కుండలాక్షం కమల విశదనేత్రం సానుజం రామమీడే సానుజం ఓం నమో వెంకటరాఘవాయ, ఓం నమో రామదూతాయ, ఓం నమో హనుమంత వాహనారూఢ శ్రీ వెంకటరమణాయ, ఓం నమో నమః. ప్రఫుల్ల కంజలోచనం మదాది దోషమోచనం ప్రలంబ బాహు విక్రమం ప్రభో ప్రమేయ వైభవం నిషంగ చాప సాయకం ధరం త్రిలోక నాయకం దినేశ వంశమండనం మహేష చాప ఖండనం మునీంద్ర సంత రంజనం సురారి వృంద భంజనం. హే భగవాన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆజ్ శ్రీరామ్ కే అవతార్ మే అప్నే భక్త హనుమాన్ కే ఉపర్ విరాజతే హుయే ఆరూఢ హోకర్ హమే దర్శన్ దేనే కే లియే పధార్ రహే హైన్. కౌశల్యా సుప్రజా రామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరసార్ధూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం.
हे राम, कौशल्या के सबसे उत्कृष्ट पुत्र, पूर्व में सौंदर्यपूर्ण भोर आ गई है। कृपया जागें ताकि हम आपकी सेवा तथा अनुष्ठान के रूप में अपने दैनिक कार्य संपन्न करें। तो आज हमारी स्तुति सुनकर श्री राम हम सबको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। श्री राम आज अपने प्रिय भक्त हनुमत पर आरूढ़ होकर निकले हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम का ध्यान हम सब करें। आज श्री राम अपने प्रिय भक्त अनन्य दास को अपना वाहन बनाकर हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। कल ब्रह्मोत्सव के पांचवें दिन वे अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर सर्व अलंकारों से युक्त होकर सर्व आभूषण से सुसज्जित होकर हमको दर्शन दिया था। आज वही गरुड़ लगता है कि हनुमत बन गया है। उसकी नुकीली नोक जो है आज हनुमत वाहन के रूप में हमें दिखाई दे रही है। श्री महाविष्णु आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर हाथ में कोदंड और बाण सहित हम भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हनुमत वाहन पर आरूढ़ स्वामी के दर्शन से भक्ति पर मन केंद्रित होता है, मन से विकार हट जाते, आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, भय दूर हो जाते हैं। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब हनुमत नाम सुनावे। हनुमान के नाम के दर्शन मात्र से ही, हनुमान के नाम के स्मरण के मात्र से ही हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे दुख, हमारे सारे भय दूर हो जाते हैं। आज ऐसे हनुमान के दर्शन हमें हो रहे हैं। दास्य भाव के लिए गरुड़ तथा हनुमान से बढ़कर कोई और नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं कि सेवा भाव करने के लिए भी, भगवान का सेवक बनने के लिए भी हमारे अंदर कुछ विशेष गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। हनुमान परब्रह्मा के अंश ही हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद में इसका विवरण हमें मिलता है। परब्रह्मा नारायण ही शिव स्वरूपा हनुमान है। परब्रह्मा रुद्रावतार श्री हनुमान का वृत्तांत वेदों, पुराणों, रामायण, तंत्र, मंत्र आदि कई अनन्य कृतियों में भी उपलब्ध हैं। अतुलित शक्ति और महान भक्ति के प्रतीक श्री हनुमान जी की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष के में अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र नामा। हनुमान मात्र बलशाली ही नहीं बल्कि बुद्धिशाली भी, उनकी बहुत ही तेज एवं सूक्ष्म है। उनकी वाणी में चतुरता तथा विनम्रता है। पर हनुमान के चरित्र से हमें यही आदर्श प्राप्त होते हैं, जितने भी महान बनो पर विनम्र रहो। तभी तो महान पुरुषोत्तम राम ने उन्हें गले लगाया है, भरत सम तुम प्रिय भाई कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया है। आज शनिवार के हमें हनुमान के और श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। कहा जाता है शनिवार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को अत्यंत प्रिय वार है। आज हम सब धन्य हैं कि इतनी सारी शुभ तिथि, इतने सभे शुभ दिन में देव की आराधना, दर्शन और स्मरण कर रहे हैं। हनुमान पवन कुमार सब बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अजागर बस ही तामसर चापधर। सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों की खान हैं, वानरों के स्वामी हैं, श्री रघुनाथ के प्रिय भक्त हैं। ऐसे महान व्यक्ति को हम सब प्रणाम करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान का स्मरण करना, पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस हनुमान कृपा पाने से शिव जी का प्रकोप कम हो जाता है। देखिए भगवान श्री राम मुद्राओं से भरे हुए हार पहने हुए हैं। शालिग्राम का हार भी उन्होंने पहना हुआ है। शालिग्राम जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक शालिग्राम के दर्शन से, पूजा से, अर्चन से ही हमारा मन
धन तन धन्य हो जाते हैं। आज शालिग्राम की माला पहने, अनेक मुद्राओं का हार पहने, सुसोजित सुशोभित सुसज्जित श्री राम हमें दर्शन दे रहे हैं। पतितम नो भावने वितर्क वीच संकुले निरस्य इंद्रियकम प्रणयांतिते गतिस्यम जगद्गुरुं च शाश्वतम तुरीयमे केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम दुर्लभम। ये कुयोगियों को दुर्लभ है, हम सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं, हमारे नयन ने बहुत ही पुण्य किए हैं कि आज इस सुंदर मूर्ति का दर्शन हम कर पा रहे हैं। हम घर बैठे ही श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के जरिए इस महान सौंदर्यमय रूप को निरख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनका गुणगान सुन रहे हैं, गुणगान कर पा रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। ऐसे महान भक्त भक्तवत्सल श्री राम को हम सब देख रहे हैं, सभी भक्तजन श्रद्धालु उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, मन में बार बार राम का नाम का जप कर रहे हैं। श्री राम जो तारक मंत्र है, एक बार के उच्चारण करने से ही हम सबको तारा देते हैं। तुलसीदास ने कहा था, राम नाम मणि दीप धरूं जीव देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे उजियार। राम नाम जो है मणि दीप के समान है, उसे जीभ पर हमेशा बनाए रखो ताकि घर के अंदर और बाहर, घर माने हमारा शरीर, घट घट के अंदर मतलब मन में भी और बाहरी संसार में भी जो चाहे उजियार उजाला ही फैल जाएगा। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजन नित नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खल दल कंजन। तो जिसके नाम के स्मरण मात्र से हमारे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री राम आज अपने प्रिय भक्त बनाकर हम सबको दिव्य दर्शन दे रहे हैं। वे सभी मालाओं से अलंकृत हैं, आभूषण से अलंकृत हैं, उनका जो दिव्य शरीर जो है नील मुख देखे कितना सुंदर लग रहा है, तिलक लगाए मुकुट लगाए, क्योंकि वे तो चक्रवर्ती तनुजाया श्रीनिवासाय मंगलम कौशल्या नंदनाया मंगलम। कोदंड लेकर हाथ में धनुष लेकर बाण लेकर वे हमें दर्शन दे रहे हैं। कोदंड राम के दर्शन से हमारे सभी पाप जो हैं कट जाते हैं, जिसे उन्होंने शिव धनुष का भंग किया उसी प्रकार हमारे गर्व का भी वो भंग करेंगे और हमारे मन में दास्य भक्ति जो नमूना मिलता है वो हमें हनुमान जी को देखकर हम ये सक सकते हैं। अति अंजनी के पुत्र होने के कारण ये आंजनेय कहलाते हैं। नमो केसर नंदनाया नमो केसरी नंदनाया नमो नमः। कमनीय याग भाग कर्तरामा
रथ नंदन रामा कमनीय याग भाग कर्त रामा नमो नमो दशरथ नंदन रामा जय नंदन रामा शुभ नंदन रामा जय नंदन रामा शुभ नंदन ओम रघुनंदन सबके प्रभु सर्वांतर्यामी सर्वशक्ति हे सर्वाधार ब्रह्मा सगुण निर्गुण तथा निराकार साकार परमात्मा परमेश्वर विभो विश्व विश्वाधार ऐसे विश्वाधार प्रभु चक्रवर्ती प्रभु के दर्शन हम आज कर रहे हैं। आज ब्रह्मोत्सव के छठे दिन हम सब हनुमत वाहन पर आरूढ़ उस परब्रह्मा परमेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। छिन छिन सुमरिन करे छिनह भूले नहीं सुमरिन सम कुछ लाभ नहीं हानि भूल सम नहीं। अगर हमने भगवान का नाम छोड़ दिया है उससे बढ़कर कोई नहीं हानि नहीं है। भगवान भक्ति कई रूपों में हो सकती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं मन एक टक उसी की ओर लगा के रखते हैं तो हमें मुक्ति के मोक्ष के मार्ग जो हैं सुगम हो जाते हैं। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम श्याम हित चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी कहते हैं एक ही के भरोसे रखिए एक ही के विश्वास पर यह जीवन जीता है। वह श्री राम का मंत्र है। इसी विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं कि श्री राम हमें मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं। इतने सुंदर कौशल्यानंदन को माता कौशल्या की आरती दे रही हैं। आरती दे कौशल्या माता शुभ मंगल प्रदाता को। तो अर्चक स्वामी आज कौशल्या बनकर राम की आरती उतारे रहे हैं। श्री राम सर्व आभूषणों से सुसज्जित होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। ये शालग्राम हार देखिए कि शालग्राम के एक दर्शन से ही हमें पवित्रता मिलती है। शुद्ध हो जाते हैं हम उसके मात्र से ही हमारे सारे पाप कट जाते हैं। शालग्राम परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके स्पर्श से दर्शन से मात्र से करोड़ों जन्म के पाप मिट जाते हैं। इसकी पूजा अर्चना से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है।
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರಿ ನಂದನ ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಗಜವಂದನ ವಿದ್ಯಾವಾನ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರ್ವೇಕೋ ಆತುರ ಐಸೆ ಹನುಮಾನ್ ಆಜ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆ ವಾಹನ ಬನಕರ್ ಯಹಾ ಹಮೆ ದರ್ಶನ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ವೇ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಹೈ ಗುಣಿ ಹೈ ಅತಿ ಚತುರ್ ಹೈ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್ ಹೈ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಜನ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಏಕ್ ಅಪ್ಸರಾ ಜೋ ಸ್ವರ್ಗ ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಕೆ ಸಭಾ ಮೇ ರಹತಿ ಥೀ ವೋ ಅತಿ ಸುಂದರಿ ಥೀ ಔರ್ ಚಪಲ್ ಚಿತ್ತಾ ಭೀ ಥೀ ಚಂಚಲಾ ಭೀ ಥೀ ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸ್ ಕೆ ಶಾಪ್ ಕೆ ಕಾರಣ ವೇ ಇಸ್ ಭೂಲೋಕ ಮೇ ಆ ಗಯಿ ಹೈ ದುರ್ವಾಸ್ ನೇ ಉನ್ಹೇ ಶಾಪ್ ದಿಯಾ ಥಾ ಕಿ ತುಮ್ಹಾರಾ ಮನ್ ಜೋ ಹೈ ಬಂದರ್ ಕೆ ಸಮಾನ್ ವಾನರ್ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಚಂಚಲ್ ಹೈ ಅತಃ ತುಮ್ ಭೀ ವಾನರಿ ಬನ್ ಜಾಓ ತೋ ಇಶಿ ಶಾಪ್ ಕೆ ಅನುಸಾರ ವನರಾಜ ಕುಂಜರ ಕಿ ಪುತ್ರಿ ಬನ್ಕರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಜನ್ಮ ಲಿಯಾ ಜಿನ್ಕಾ ನಾಮ ಅಂಜನಾ ಪಡಾ ಅಂಜನಾ ಕೆ ಪುತ್ರ ಹೋನೆ ಕೆ ಕಾರಣ ಆಪ್ ಅಂಜನಾ ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಕಹಲಾಯೆ ಕಪಿರಾಜ ಕೇಶರಿ ಕಾಂಚ ಪರ್ವತ ಪರ್ ವಾಸ ಕರ್ತೆ ಥೇ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಂಜನಾ ಕಾ ವಿವಾಹ ಸಂಪನ್ನ ಹುವಾ ದಿಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್ ಭೀ ಕಹಲಾಯೆ ಮಾತಂಗ ಋಷಿ ವಹಾ ಆಯೆ ಔರ್ ಉನ್ಹೋನೆ ಮಾತಾ ಕೋ ದರ್ಶನ್ ದಿಯಾ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಯಾ ಔರ್ ಉನ್ಹೇ ಕಹಾ ಕಿ ಅಗರ್ ಆಪ್ ವೆಂಕಟಾಪತ್ ಪರ್ ಜಾಕರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೋಗೆ ಆರಾಧನಾ ಕರೋಗೆ ಸ್ತುತಿ ಕರೋಗೆ ತುಮೇ ಪುತ್ರ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆ ಕಾರಣ ಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಾರಣ ಮಾತಾ ನೆ ಜೋ ತಪಸ್ಯಾ ಕಿ ಥೀ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹನುಮಾನ್ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ ಥಾ ತೋ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೋ ಇಸಿಲಿಯೆ ಉನ್ಹೇ ರುದ್ರಾಂಶ ಭೀ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಜಯ ಆನಂದ ಅಮೃತ ಅಜ ಅವ್ಯಯ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅತುಲ ಅಭಿರಾಮ ಸಬ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಜೋ ಹೈ ಅಪ್ನೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಯಹಿ ಸ್ಮರಣ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಿ ಆರತಿ ಉತಾರತೆ ಹುಯೆ ಅಪ್ನೆ ತನ್ ಮೇ ಮನ್ ಮೇ ನಯನ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಬಸಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಂಖೆ ಬಂದ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಮುಂಹ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಜೋಡಕರ್ ಉನ್ಕಿ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅಗೋಚರ್ ಅವಿಚರ್ ನಾಶಿ ಆನಂದ ಅನಂತ ಅನಾಮಯ ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಕಿ ರಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಆಜ್ ಜೋ ಹಮೇ ದರ್ಶನ್ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ವೇ ಇತನೆ ಬಲಶಾಲಿ ಹೈ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಹೈ ಕಿ ಕೆ ಗಾಥಾಓಂ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕೈಸೆ ಹಮ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ನಾಮ ಕಿ ಮಹಿಮಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಜಯ ರಾಮ ರಮಾ ರಮನ ಸಮಾನಂ ಭವತಾಪ ಭಯಾಕುಲಂ ಪಾಹಿ ಜನಂ ಭಕ್ತ ಜನ್ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಕಾ ಮಂತ್ರ ಅಗರ್ ಹಮ್ ಶರಣಾಗತಿ ಹೋಕರ್ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾತೆ ಹೈ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೋ ದರ್ಶನ್ ದೇತೆ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಹಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇ ಹಿ ಹಮೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪುಣ್ಯ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಭಿ ಮಾನವ ಲೀಲಾ ಖೇಲ್ ರಹೆ ಸೀತಾ ಅಯೋನಿಜಾ ಬನ್ಕರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ ಗರ್ಭ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹುಯಿ ಧರ್ತಿ ಸಬ್ ಶಕ್ತಿ ಖಾನ ಹೈ ಐಸೆ ಧರ್ತಿ ಸುತಾ ಶಕ್ತಿ ಸೇ ಸಮನ್ವಿತ ಹೈ ಕೋ ಪಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧಕ ಬನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋ ಪಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಾಧಕ ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ದೃಢತಾ ಔರ್ ಧೀರತಾ ಜಬ್ ತಕ್ ಮನ್ ಮೇ ಸಂಯಮ ನಹೀ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ನಹೀ ಹೂತಾ ತಬ್ ತಕ್ ಯಹ ಸಂಭವ ನಹೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಮನ್ ಚಂಚಲ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೈಸೆ ವಾನರ್ ಯಹ ಸ್ಥಿರ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೈ ಪರಂತು ಉಸ್ ವಾನರ್ ಜೈಸೆ ಮನ್ ಕೋ ಯದಿ ಹಮನೆ ಅಪ್ನೆ ವಶ ಮೇ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಉದಾಸ ಬನಾಕರ್ ಯದಿ ಹಮನೆ ಉಸೆ ಅಪ್ನೆ ಹಿ ವಶ ಮೇ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಆದರ್ಶೋ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಯಹಾ ಆಪ್ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆ ಭಕ್ತ ಹನುಮತ್ ಕರ್ ಜೋಡ ಕರ್ ವಂದನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಹೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಮೇ ಯಹ ವರದಾನ್ ದೀಜಿಯೆ ಕಿ ಹಮೇಶಾ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ದಾಸ ಬನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮೋ ಸೇ ಆಭೂಷಣೋ ಸೇ ತುಲಸಿ ಮಾಲಾ ಸೇ ಸುಶೋಭಿತ ಆಜ್ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ನೀರದ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣ ಅತಿ ಶೋಭಿತ ಕಂಠ ಕಮಲ ಮುಕ್ತಾ ಮಣಿಹಾರ ಕೌಸ್ತಭ ಮಣಿ ಭೃಗುಲತಾ ಕ ವಕ್ಷ ಶ್ರೀವತ್ಸ ದಿವ್ಯ ಕರ್ ರಹೆ ವಿಹಾರ ಉಸ್ ಸುಂದರ ರೂಪ ಕೋ ದೇಖಿಯೇ
कौस्तुभ मणि से वक्ष पर श्रीवत्स अंकित किए हुए नील वर्ण नीरद श्याम हमें आज दर्शन दे रहे हैं। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण आदि अनेक गाथाओं में मारुति का उल्लेख किया जाता है। उस महान भक्त का जन्म दशमी तिथि शनिवार के दिन ही हुआ। आज की तिथि अष्टमी युक्त नवमी है। श्री राम के लिए यह बहुत ही इष्ट दिन है। नवमी की श्री का जन्म हुआ था। विवाह की तिथि भी नवमी ही है। राम राज तिलक भी इसी तिथि में संपन्न हुआ। उनका आज इष्टवार है। आज अगर यदि हम भगवान विष्णु की पूजा करें या वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करें या हनुमत की आराधना करें आत्मदुरा भगवत सदो यसिंह राम गच्छ जनो जनम
वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक सालकटल ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तिरुमला पुण्यधाम से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल विश्व भर के भक्ति कोटि के आज छठे दिन हनुमत वाहन का दर्शन करा रहा है। तिरुवीधियों में शोभा यात्रा पर निकले श्री वेंकटेश्वर हनुमत वाहन पर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसार इस कार्यक्रम को श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल सुलभ करा रहा है। डॉक्टर निर्मला देवी जी के साथ मैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू आज के इस हनुमत की विशेषता आपको स्पष्ट करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री श्री वेंकटेश्वर के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति आपके मन में मस्तिष्क में जागृत करने में हम सफल होने की आशा करते हैं। अभी आप नालायर दिव्य प्रबंधम की स्तुति सुन रहे थे। कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान साक्षात महाविष्णु के दिव्य क्षेत्रों में तिरुमला दिव्य धाम अत्यंत विशिष्ट है। आलवारों के दिव्यानुभूति से कीर्ति करने वाले प्रदेशों में श्रीरंगम तिरुवेंगडम और पेरिय कोयल कांचीपुरम आदि के क्रम में तिरुमला अत्यंत विशिष्ट है। तो पेरुमाल के रूप में प्रतिष्ठित श्री वेंकटेश्वर की का कीर्ति गायन जो है दिव्य प्रबंधम के रूप में किया जाता है, नालायर दिव्य प्रबंधम के रूप में। तो यह कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नालायर दिव्य प्रबंधम से ही तिरुमला श्री वेंकटेश्वर दिव्य क्षेत्र की सुप्रभात सेवा शुरू होती है। नित्य सेवाओं में दिव्य प्रबंधम का विशिष्ट महत्व दिया जाता है। और वैकानस आगमों के अनुसार वैष्णव संप्रदाय में दिव्य प्रबंधम कीर्तन मंगलदायक माना जाता है। कल्याणकारी श्री वेंकटेश्वर की स्तुति में तो नालायर दिव्य प्रबंधम का कीर्तन अत्यंत महत्व है।
और भक्तों का उत्साह आप देख रहे हैं इस अवसर पर, तो वे उत्साहपूर्वक नृत्य कीर्तन प्रदर्शनों के बीच तो आज हनुमत वाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर श्री राम के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत छठे दिन आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी हनुमत पर विराजमान होकर शोभा यात्रा पर निकले हैं। ज्ञान बल सफलता और साहस के प्रतीक के रूप में, चतुर्वेदों के प्रतिनिधि के रूप में हनुमान विराट भक्त के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो आप देख रहे हैं भक्त तो हनुमान की वेशभूषा में आपको बहुत उत्साह के साथ त्रिविधियों में अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केवल तो उत्सव का यह रथ पर आरूढ़ श्री महाविष्णु का ही दर्शन हम नहीं कर रहे हैं, समस्त भक्तों के उत्साह को भी हम देख पा रहे हैं। तो हनुमान कार्य साधन के विशिष्ट प्रतीक हैं। तो स्वामी कार्य साधक के रूप में और भक्तों के कष्टों से उनकी रक्षा करने वाले के रूप में और के रूप में स्वामी की सेवा में लगे रहने की विशिष्टता के लिए हनुमत वाहन की बड़ी विशेषता है। तो वाहन पर आरूढ़ तो श्री श्रीनिवास का दर्शन हम आज श्री राम के रूप में कर रहे हैं। उनके हाथों में आप स्वर्णमय तो धनुष और बाण का दर्शन कर रहे हैं। तो स्वयं श्री राम के रूप में और अपने भक्त हनुमान के वाहन पर आरूढ़ होकर श्री वेंकटेश्वर स्वामी तो इस सालकटला ब्रह्मोत्सव के छठे दिन आपको दर्शन दे रहे हैं। और श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल तिरुमला से इसका सीधा प्रसारण आप सबके लिए करा रहा है। तो भारतीय वाङ्मय में श्री हनुमान जी भी ब्रह्म रूप में उनका वर्णन हुआ है। पुराणों और आगमों में इसका वर्णन कई रूपों में मिलता है। नारद पुराण हनुमान जी के विषय में कहता है, स सर्व रूप सर्वज्ञः सृष्टि स्थिति करो वस्तु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु साक्षात देवो महेश्वरः। वह हनुमान जी सर्व रूप सर्वज्ञ सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं। तो उनके रथ पर मतलब उनको वाहन बनाकर आरूढ़ श्री महाविष्णु को आज हम दर्शन कर रहे हैं। हनुमत वाहन तो उसी विशिष्टता का प्रतीक है। आप दर्शन कर रहे हैं आलवार भक्तों का और समस्त भक्तों का जो बड़ी तन्मयता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तो आज हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन सब कर रहे हैं। रामचंद्र के परम भक्त के रूप में श्री हनुमान की बड़ी विशिष्टता है और श्री रामचंद्र के परम भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास को भी मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान की स्तुति में कहा था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिह लोक उजागर। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले और अपार गुणों के सागर ज्ञान स्वरूप कपिरूप धारी हनुमान जी की जय हो। तो आप समस्त कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, उनकी तन्मयता और भक्ति निश्चय ही तो दुनिया भर के भक्तों में तो वह भक्ति जागृत करने में सक्षम है। और आप देख रहे हैं त्रिविधियों किस ढंग से अलंकृत किया गया है। पूरी श्रद्धा भक्ति तत्परता और तन्मयता पूर्वक भक्तगण श्री वेंकटेश्वर को हनुमत वाहन पर दर्शन कर रहे हैं। समस्त कला रूपों से श्री वेंकटेश्वर की भक्ति में प्रसन्न हो रहे हैं तमाम भक्त। आप श्री वेंकटेश्वर का दर्शन सीधा ही अपने ही समक्ष इस टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और भक्तगण तो अपनी तमाम कलाओं का प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्साह के साथ ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति अर्पित कर रहे हैं।
तो श्री वेंकटाद्री पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर के संबंध में और इस स्थान के संबंध में कहा जाता है, वेंकटाद्री समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस समूचे ब्रह्मांड में वेंकटाद्री के समान कोई दिव्य तीर्थ नहीं है। और इसी तरह श्री वेंकटेश्वर स्वामी जैसे भगवान न अतीत में रहें न भविष्य में होंगे। तो इतने ख्यात पावन दिव्य तीर्थ के बारे में महर्षि वेदव्यास ने कई पुराणों में वर्णन किया है। श्री वैकुंठ से श्री महाविष्णु पहली बार आदि वराह स्वामी के रूप में अवतरित हुए थे इसी पावन दिव्य तीर्थ में। असुर हिरण्याक्ष से भूदेवी की रक्षा करके सुरवर वराह स्वामी यहीं प्रतिष्ठित हो गए। अतः यह पुण्यधाम आदि वराह क्षेत्र के रूप में ख्यात हो गया। दूसरी बार श्री महाविष्णु साक्षात श्रीनिवास के रूप में अवतरित होकर आकाश राज की सुपुत्री पद्मावती को ब्याह कर इसी धाम में प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रीमान श्री वेंकटेश्वर सहस्राधिक दिव्य नामों भक्त जनों के लिए प्रिय के रूप में, अपने शरण में जाने वालों के रूप में, शरण में जाने वालों के लिए अन्यथा शरणम त्वमेव शरणम मम कहने वाले भक्त कोटि के पापों को नाश करते हुए सभी भक्त जनों की हार्दिक मनोकामनाओं की पूर्ति करते हुए श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भक्त वत्सल के रूप में कलौ वेंकट नायक की उपाधि से सुख्यात एवं प्रतिष्ठित हुए हैं। तो श्री श्रीमन नारायण की स्तुति करते हुए भक्त जन आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सालकटल ब्रह्मोत्सव में छठे दिन श्री हनुमत वाहन पर उनका दर्शन कर रहे हैं। उत्सवों के देवता श्री वेंकटेश्वर शेषाचल पे विराजमान है। शेषाचल विश्व में कीर्ति प्राप्त पुण्यक्षेत्र है। इस क्षेत्र की महिमा अद्वितीय है। इस क्षेत्र में जो महिमा व्याप्त है वह किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। उसी भांति इस दिव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित परम पावन श्री वेंकटेश्वर जैसा महिमान्वित देवता अन्यत्र कहीं विद्यमान नहीं है। तो इसीलिए वेद ग्रंथ इस स्वामी की स्तुति ऐसा करते हैं, यो असी सो असी, अर्थात जो तुम बनकर हो वही तुम हो, यानी तुम अतुलनीय हो। सभी युगों में सर्व काल सर्व अवस्थाओं में श्रीनिवास की स्तुति इस प्रकार हो रही है। तो आज सालकटल ब्रह्मोत्सव सर पर हम श्री हनुमत वाहन पर विराजमान श्री वेंकटेश्वर का दर्शन श्री राम के रूप में कर रहे हैं। और श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान कार्य साधक के रूप में कार्य साधन के विशिष्ट प्रतीक हैं। स्वामी कार्य साधक के रूप में और भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले के रूप में श्री वेंकटेश्वर श्री हनुमान के वाहन पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन दे रहे हैं आज। और कलयुग में इस देवता ने तो कैसे तो इस अद्भुत पर्वत पर पधारा है, तो इसको लेकर भी काफ़ी जिज्ञासा भक्तों के मन में जागृत होती रहती है। तो ऐसा अद्भुत देवता कहाँ से पधारा, क्यों उद्भूत हुआ, कब अवतरित हुआ, जिस पर्वत पर वह प्रतिष्ठित है वह अचल कितना महिमामय है। स्वामी की भांति उस पर्वत की भी उतनी विशेषताएं हैं क्या, महिमाएं हैं क्या, अगर हो तो कितने, कौन से, कितने प्रकार के, किसको बोध है, बोध केवल तिरुमलेश को होगा, अस्तु अस्तु। तो सात पहाड़ियों पे विराजमान श्री वेंकटेश्वर को सप्तगिरीश्वर के रूप में सब भक्त मानते हैं। तो तेलुगु में एडु कुंडलवाड़ा कहते हैं, अर्थात सात पहाड़ियों पर विराजमान देवता के रूप में
सप्तगिरिवास, श्रीनिवास कहा जाता है। तो ये सात पहाड़ियों के नाम क्रमशः है शेषाचलम, वेंकटाचलम, नारायणाचलम, गरुड़ाचलम, वृषभाचलम, अंजनाचलम। तो इनमें एक एक पहाड़ की कई सारी विशिष्टताएं हैं, कई सारी महिमाएं हैं। तो आज हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर श्री श्रीनिवास सालकटल ब्रह्मोत्सव के अवसर पर तिरुविधियों में शोभा यात्रा पर निकले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो अंजनाचल है तो इसका, तो इस वाहन के साथ और आज के साथ कैसे विशिष्ट संबंध है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अंजनाचलम सातवां पहाड़ है। तो इस नामकरण के नेपथ्य में एक अद्भुत गाथा सुनाई पड़ती है। यह त्रेतायुग से संबंधित आश्चर्यजनक गाथा है। तो हम दर्शन कर रहे हैं श्री हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास को। तो स्वामी की आरती उतारी जा रही है, भक्त तन्मयता पूर्वक उनका दर्शन कर रहे हैं। और तो इस अंजनाचल के संबंध में तो हम और आगे अपराजित यदपराजितमपराजित यद यदाग्निद्रमाग्निद्रयद्यदाग्निद्रम् अग्निद्रमित्याग्निद्रम् आग्निद्राधृष्णियान् दृष्णियानाग्निद्रादाग्निद्राधृष्णियान् दृष्णियानु विहरति विहरति दृष्णियानु दृष्णियानु विहरति 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 एव यज्ञस्य यज्ञस्यैवैव यज्ञस्य अपराजितं यज्ञस्य यज्ञस्यापराजितम् अपराजितं ततस्ततोऽपराजितम् अपराजितं ततः च परा तत एवैव ततस्तदेव एनं पुनः पुनरेनमेनं पुनः तमिते पराजित्य आचार्य पंडितों ने अब तक वेद पाठ किया है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी सालकटल ब्रह्मोत्सव के छठे दिन आज श्री हनुमत वाहन पर हम श्री वेंकटेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो अंजनाचलम पहाड़ के सामने तो विशिष्टता के संबंध में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आप दर्शन कर रहे हैं इन तिरुविधियों में भक्तों को और श्री श्रीनिवास को हनुमत वाहन पर। तो एक समय केसरी नाम का एक वानर राजा था। तो उसकी पत्नी अंजना देवी थी। लंबे समय तक निसंतानवती होने के कारण मातंग मुनि के पास जाकर उसने अपना दुकड़ा प्रकट किया। मातंग मुनि ने बहुत सोचकर अंत में अंजना देवी को संतान प्राप्ति का वर दिया और एक मार्ग सुझाया। माँ जी, पंप नदी की उत्तर दिशा में 500 योजन मतलब माप की दूरी पर नृसिंह स्वामी का क्षेत्र है। तो उसके दक्षिण में नागिरी नामक हिमान्वित दिव्य क्षेत्र है। तो उस प्रदेश में एक दिव्य भव्य जलकुंड है जो सकल पाप हारिणी है। तो वह स्वामी पुष्करिणी कहलाती है। तो उस पुष्करिणी के उत्तर की दिशा में एक कोश दूरी पर आकाश गंगा नामक एक पवित्र पुण्य तीर्थ भी है। तो प्रतिदिन उसमें नहाकर तुम 12 वर्षों के लिए तपस्या करती रहो, तुम्हें निश्चित ही संतान पैदा होगी। गुणवान, श्रेष्ठ, अनंत बलशाली, लोको पूजनीय पुत्र तुम्हें पैदा होगा। कहते हुए मातंग मुनि ने आशीर्वचन देकर उन्हें भेज दिया। मातंग मुनि के आदेशानुसार वेंकटाचल क्षेत्र में पहुंचकर अंजना देवी ने स्वामी पुष्करिणी में स्नान किया। उस पुष्करिणी के कूल पर स्थित अश्वत्थ वृक्ष की प्रदक्षिणा करके उसके निकट स्थित आदि वराह स्वामी का दर्शन किया। में आकाश गंगा तीर्थ पर जाकर एक वर्ष के लिए उपवास रखकर व्रत किया
उसके बाद वायुदेव प्रतिदिन एक दिव्य फल अंजना देवी के हाथों में रखता था और उसे प्रसाद के रूप में वह स्वीकार कर तपस्या कायम रखती थी। तो तपस्या के कारण उसके समस्त पाप धुल गए। एक तेजोमय शक्ति ने उन्हें आवृत्त किया। एक दिन वायुदेव ने अंजना देवी को अपने वीर्य से युक्त एक फल दिया। अंजना देवी ने यथा हर दिन की भांति उस प्रसाद रूपी फल मानकर खाया। वह गर्भवती हुई। 10 महीनों के बाद उसने एक पुत्र उनको एक पुत्र पैदा हुआ, वही आंजनेय, हनुमान, वायुपुत्र जैसे कई विशिष्ट नामों से जग में प्रसिद्ध हुए हैं। तो उस हनुमंत वाहन पर तिरुमला में आज आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन आप श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से, तो सीधा प्रसारण के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। तो आप उस विशिष्ट वाहन और वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर की का दर्शन कर रहे हैं। इस सप्त गिरीश्वर के दर्शन मात्र से आप तमाम पापों का हरण होगा। तो हमने ये समझने की कोशिश की है कि ये आज हनुमद वाहन की विशिष्टता और उसके साथ जुड़े हुए अंजनाद्री पर्वत की विशिष्टता को भी हमने समझने की कोशिश की है। आप त्रिवेदियों में आज हनुमद वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास दर्शन और तमाम भक्त कोटि का दर्शन कर रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में श्री श्रीनिवास आरूढ़ हैं। तो आप श्री श्रीनिवास का दर्शन कर रहे हैं और वाहन पर आरूढ़ हनुमद वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास आपको कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। कलयुग के मनुष्य अशक्त होने की बात कही जाती है, लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में, उनके संकल्पों में तमाम शक्तियों को और भक्ति को भरने में श्री श्रीनिवास तो सफल देवता है और वे कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में तो श्री श्रीनिवास के रूप में दर्शन देते हुए आपको आज सालकटल ब्रह्मोत्सव के छठे दिन श्री हनुमद वाहन पर वे दर्शन दे रहे हैं। Sarvabhoom
Thank you.
बरसाया। अभिराम गुणाकर दाशरथे जगदेक धनुर्धर धीर मते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदे दया जलधे। राम 16 गुणों से संयुक्त हैं, गुणवान हैं, किसी की निंदा ना करने वाले हैं, सकारात्मक गुणों से युक्त हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्यवान हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले हैं, सदाचारी हैं, सभी प्राणियों के रक्षक हैं, विद्वान हैं, समर्थशाली हैं, प्रिय दर्शन हैं, मन पर अधिकार रखने वाले हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं, मान हैं, वीर्यवान हैं, युद्ध में क्रोधित होने पर देवता भी उन्हें देखकर डर जाते हैं, वे सतत सुख रहते हैं, उत्साह को बढ़ाते हैं, असत्य के विरोधी हैं, नेतृत्व की क्षमता करते हैं। ऐसे श्री राम के दर्शन आज हो रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री राम इन गुणों का वर्णन करते हुए मुनि वाल्मीकि ने कहा कि यदि ऐसे श्री राम का गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, उनके दर्शन करेंगे तो हम में भी नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी, सत्यशीलता बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी और धर्म से समाज की रक्षा होगी। इंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं श्री राम। प्रजापति के समान वे पालक हैं, श्री संपन्न हैं, वैरी विध्वंसक हैं, जीवों तथा धर्म के संरक्षक हैं, स्वयं धर्म के प्रतिरूप हैं। इसीलिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के राम तत्व वेता तथा धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं, अच्छे और हृदय उदार हृदय वाले हैं। वे बात करने में चतुर हैं, मधुर भाषी हैं, समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुन्दर में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिल जाते हैं। वे सब में समान भाव रखने वाले हैं, समदर्शी स्वभाव के हैं। उनके गुणों के बारे हम जानते हैं तो हमें आदर्श नेतृत्व के लक्षण, राजा के लक्षण बोध होते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने मुखिया के लक्षण बताते हुए कहा है, मुखिया मुख सो ये कान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सवित विवेक। इस तरह विवेक के साथ अगर हमें काम करना है तो श्री राम के आदर्श को याद रखना है, श्री राम के को जीवन को, उनके आदर्शों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन जो है धर्म से भर जाएगा। उनके दर्शन से सदा ही प्रिय मालूम होता है। सर्व गुणों से युक्त श्री राम मात्र अपने माता पिता के ही नहीं, सभी को सुख और आनंद प्रदान करने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र हैं, धैर्य में हिमालय के समान हैं, चंद्रमा के समान मोहित प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्हें रामचंद्र भी कहा जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोच कंज कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। मुनिवर नारद कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम के से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले हैं, महाबलवान हैं, कांतिवान हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान हैं, नीति वक्ता हैं, शोभायमान हैं, शुभ हैं, शत्रु संहारक हैं। इसीलिए उन्होंने 10 शीश वाले रावण का भी वध किया है। उनका जो है करने से ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि भी तर गए हैं। ऐसे सुंदर और महान राम के दर्शन आज यहाँ हम कर रहे हैं, जो हनुमान के वाहन पर आरूढ़ हुए हैं। हनुमान भी महान बलशाली हैं। हनुमान की कथा हम तो सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन ये हनुमान कैसे हुए हैं? अंजनी के पुत्र हैं, इसीलिए अंजनीश हैं।
केसर के नंदन हैं इसीलिए केसरी नंदन हैं, पवन सुत हैं इसीलिए पवन सुत के नाम से भी विख्यात हैं। लेकिन इन सब संज्ञाओं के पीछे एक महान तत्व का बोध होता है। हम सबको यह यदि विदित है कि हजारों योजनाओं की दूरी पर स्थित सूर्य भगवान को फल समझकर उसे पाना चाहा। तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है, जुग सहस्त्र योजना पर भानो लील्यो ताही मधुर फल जानू। तब इंद्र ने उन पर वज्रायुध से आघात किया था, अब उसके मुंह पर चोट लगी, इसीलिए उन्हें हनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि जो मुंह पर जो चोट लगती है तो वो जो जबड़े जो होते हैं उनमें जब चोट लगी और वे फूल गए तो उसका एक अर्थ वो भी हुआ। परंतु योग शास्त्र के अनुसार कुंडली योग साधक को हनुमान कहते हैं। अज्ञान करने वाले ही हनुमान हैं। हनु का अर्थ होता है ज्ञान और हनन करना करना। हनुमान जो ज्ञान गुण सागर हैं उनके दर्शन मात्र के उनके स्मरण मात्र से हमारा अज्ञान दूर होता है। अंजना पुत्र होने के कारण उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, परंतु इसका तार्किक अर्थ अलग ही है। अम का अर्थ होता है सर्वव्यापक विष्णु। जन का अर्थ होता है जन्म देने वाला। जो अंजना ऐसे विष्णु तत्व को परलोक में व्याप्त करने वाली उसकी विपासना करने वाले अंजनीश हैं, तो इसीलिए उन्हें अंजनीश या अंजनी पुत्र भी कहते हैं। वज्रायुध के घात से आहत हनुमान उदयाद्री गिरी पर अचेत हो गए। अपने वर पुत्र की इस दशा से वायु को इंद्रादि देवताओं पर क्रोध आ गया, अतः वे अपने पुत्र के साथ एक गुफा में चले गए। तब वायु को शांत करते हुए सभी दिक्पालकों ने शिव संबोध उस बालक को अनेक वर दिए। सूर्य ने अपना तेज दिया, वेद प्राप्ति की वरदान दिया, वरुण ने जल में निर्भय से संचार करने का वर दिया, यम ने रोग मुक्त के भय ना होने का वर दिया, ईशान ने उन्हें वर दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उन्हें कोई हानि ना हो, कुबेर ने वर दिया कि सकल समय हो। इसलिए हम देखते हैं कि जब कहीं युद्ध होता है तो पताका पर कपीश होते हैं जो जय का सूचक होता है, इसीलिए उनके नाम पर जयवार भी कहा जाता है। वो मंगल के प्रदाता हैं, मंगलवार उनको बहुत प्रिय है, इसीलिए जय प्रदाता हैं इसीलिए जयवार भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने का वर दिया, इसीलिए वे चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी होने का अर्थ मात्र देह से नहीं बल्कि मन से बुद्धि से है। अभी भी हम सब के मन में तन में नैन में ज्ञान में वो वास करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान चुड़ावे, मन क्रम वचन जो ध्यान जो लावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उदियारा, संकट से मिटे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समत हनुमत बलवीरा। ऐसे हनुमत बलवीरा के रथ पर आरूढ़ होकर हमारे जो सुंदर श्री रामचंद्र जी वेंकटेश्वर स्वामी आज राम का अवतार लेकर महानता का अवतार लेकर हमें दर्शन दे रहे हैं। पुण्य दर्शन से हम सब बहुत ही पवित्र हो गए हैं। श्रद्धालु भक्त वैदिक पद्धति अपनी अपनी मातृभाषा अथवा लोक शैली में रुद्रावतार महावीर की पूजा उपासना करें तो समस्त संकटों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्यों एवं सुख संपदाओं के भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और उनके प्रिय भक्त उनके प्रिय दास राम के दूत जिसने सीता के दुख को दूर किया था, इसीलिए सुंदर कांड बन गया है। सीता सुंदर है,
राम सुंदर हैं और उन दोनों के मिलाप का सुंदर वर्णन करके कपीश भी सुंदरता से उन दोनों को मिलाया है। इसीलिए उसे सुंदर कांड का पारायण करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारे सारे वियोग कट जाते हैं। इसीलिए ओम नमो वेंकटेशाय, सेवा ते ही सुलभ परचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, ओम नमो वेंकटेशाय। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम नमो वेंकटेशाय सर्वावयव सौंदर्य संपदा सर्वचेतसाम सदा सम्मोहनायास्तु वेंकटेशाय मंगलम। अपने अवयवों सौंदर्य से समस्त जनों को सम्मोहित करने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंगल हो। तो भक्तगण तो मंगल आरती का दर्शन कर रहे हैं और आज सालकटला ब्रह्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। भक्त तन्मयता पूर्वक हनुमान और श्री राम के आरूढ़ श्री वेंकटेश्वर का दर्शन तन्मयता पूर्वक कर रहे हैं। तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सरु भूपा। तो इस रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने कई रूपों में तो राम की और राम के विशिष्ट हनुमान की स्तुति की है। तो हनुमान को संकट हारक के रूप में माना है गोस्वामी तुलसीदास। अपने तमाम संकटों को दूर करने के लिए भक्तगण तो पूरी दुनिया से पधारे हैं तो इस श्री वेंकटेश्वर के धाम। और आज श्री सालकटला ब्रह्मोत्सव के अवसर पर श्री वेंकटेश्वर तो हनुमत वाहन पर आरूढ़ है। पूरी तन्मयता के साथ भक्त अपने मनोरथ पूरा करने के लिए तो इस ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे हनुमान के संबंध में भी मानते हैं कि साधु संतों के वे रखवार है। असुर निकंदन राम दुलारे और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता के रूप में भी उनको मानते हैं। और अस बर दीन जानकी माता तो माता को के पंजे से मुक्ति कराने में तो हनुमान की भूमिका को हम मानते हैं। तो राम भक्तों में विशिष्ट भक्त के रूप में हनुमान की विशिष्टता के आलोक में श्री वेंकटेश्वर आज श्री हनुमत वाहन पर विराजमान होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो पूरी तन्मयता भक्तों में हम देख पा रहे हैं। वे भजन कीर्तन संकीर्तन करते हुए श्री भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो श्री तिरुमला दिव्य धाम के तिरुवीदियों में भक्त अपने कला सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से तो अपने मन में तो ईश्वर के प्रति जो अनुराग है और जो विशिष्ट चेतना है तो उसका वे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो और देवता चित्त ना धरई हनुमान से ही सर्व सुख करई। तो हनुमान
तो विशिष्ट भक्त के रूप में, श्री राम के भक्त के रूप में, तो इस विशिष्ट भक्ति के प्रतीक के रूप में हमारे मनों में भी, हमारे मस्तिष्क में भी, तो वह भक्ति पैदा करने में सक्षम भगवान है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करह गुरुदेव की नाई। तो श्री तुलसीदास ने तो अपनी हनुमान चालीसा में सबसे पहले कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरह कलेश विकार। तो हनुमंत वाहन पर आरूढ़ श्री श्री का दर्शन करते हुए हम श्री तुलसीदास की इन पंक्तियों में तो हनुमान की विशिष्टता और हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री श्री रामचंद्र के रूप में दर्शन दे रहे श्री श्रीनिवास को आज श्री वेंकटेश्वर सालकटला ब्रह्मोत्सव के अवसर पर हम दर्शन कर रहे हैं, और भक्तों के हृदयों में और मन में तो वे आरूढ़ हैं। तो भक्तों की तन्मयता का दर्शन आप देख रहे हैं, उनकी लोक कलाओं के प्रदर्शन, तो कोई आज एक सामान्य लोक कला के रूप में नहीं, उनके मन मस्तिष्क में श्री श्रीनिवास विराजमान है, तो उसी के प्रतीक के रूप में भक्त अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए तो रामदूत के वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास का दर्शन कर रहे हैं। और श्री तुलसीदास ने कहा था कि हनुमान को ज्ञान गुण दाता के रूप में उनको माना है, और अतुलित बल धाम के रूप में उनको माना है, और अंजनी पुत्र के रूप में, जैसे कि हमने तो अंजनाद्रि पर्वत की विशिष्टता समझने की कोशिश की थी, तो अंजनी पुत्र हनुमान के वाहन पर श्री श्रीनिवास आरूढ़ है, और उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी तमाम की भावों को प्रदर्शित करते हुए अपनी कलाओं के माध्यम से और लोक कलाओं के माध्यम से नृत्य गान कीर्तन संकीर्तन और तमाम प्रकार के वाद्य कलाओं के द्वारा ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं भक्तगण। तो आप उनका दर्शन कर रहे हैं, और श्री श्रीनिवास के दर्शन कर लेने के बाद बार बार पीछे मुड़कर फिर से एक बार और दर्शन करने की लालच से भक्तगण पीछे मुड़कर देखते हैं। तो इसके संबंध में मंगला शासन में इस रूप में वर्णन मिलता है, अकाल तत्व मश्रांत मात्मा नाम मनु पश्यताम अतृप्त्य मृत रूपाय वेंकटेशाय मंगलम। तो आज श्री हनुमद वाहन पर आरूढ़ सर्वायव आलवार भक्त आचार्यों की स्तुतियों के बीच हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास का दर्शन श्री राम के रूप में हम कर रहे हैं। हनुमत वाहन की कई सारी विशिष्टताएं हैं,
तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर कहने वाले श्री रामचंद्र के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने तो हनुमान को माना है कि वे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अपार गुणों के सागर है और ज्ञान स्वरूप कपि है। हनुमान जय स्तुति करते हुए वे श्री राम के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। तो ईश्वर ही जगत बनाने वाला भी है और जगत भी ईश्वर का ही है। सृष्टा सृजति चात्मानाम विष्णुः पाल्यंच पातिच उपसंहृतियते चान्ते हर्ता च स्वयं प्रभु। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थात भगवान सृष्टा होकर अपना ही सृजन करते हैं, पालक होकर अपना ही पालन करते हैं और अंत में अपना ही संहार स्वयं करते हैं। तो निरतिशय बृहत और सदैव वर्धनशील होने से इसे ही ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। तो हमने दर्शन किया है लगातार श्री हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री श्रीनिवास का, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा। तैतरीय उपनिषद में यह उल्लेख मिलता है, मतलब यह सत्य है। अर्थात जिस सत्ता तीन कालों में जो कि त्यों बनी हुई है, तो जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं है, तो यह ज्ञान स्वरूप है अर्थात चेतन है और अनंत है। तो हम इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के श्री वेंकटेश का दर्शन श्री हनुमत वाहन पर हम कर रहे हैं। तो काल तत्व के भर जाने तक सतत अपने दर्शन करने वाले, प्राणियों को अतृप्त ही रखने वाले, अमृत छवि रखने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन हम कर रहे हैं श्री हनुमत वाहन पर। युग युगों से भक्त स्वामी दर्शन करते ही आ रहे हैं, तो आज कल भी इसी रूप में दर्शन करते ही रहेंगे, लेकिन एक को भी तो आह भरने की स्थिति में स्वामी कभी नहीं रखते। स्वामी का दर्शन पाकर हो गया जैसी स्थिति कभी नहीं मानते। भक्त हमेशा उनका दर्शन करने के लिए ललायित होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा। अर्थात कुछ और समय तक दर्शन करने की अभिलाषा तो सब रखते हैं। तो इसीलिए बड़ी संख्या में भक्त हर दिन श्री वेंकटेश्वर धाम श्री तिरुमला में पधारते हैं और दर्शन करते समय, दर्शन करने के बावजूद और थोड़ी देर तक देखने की अभिलाषा निश्चित ही एक दिव्य रहस्य उस स्वामी की दिव्य मूर्ति में है। तो उस दिव्य मूर्ति का दर्शन हम कर रहे हैं श्री हनुमत वाहन पर आरूढ़ श्री रामचंद्र के रूप में। श्री रामचंद्र जी का वेंकटाद्रि पर आगमन से संबंधित भी एक कथा है, जिसको भी हम इसी अवसर पर संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिमोक पर्वत से वानर सेना को लेकर रावण संहार के लिए लंका की ओर प्रस्थान करने वाले श्री राम जी मार्ग में शेषाचल पर्वत पहुंच गए। तो उस समय हनुमान जी की माता अंजना देवी ने राम के पास जाकर कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में मैं इस गिरी पर तपस्या कर रही हूँ, साथ साथ यहाँ का मुनि समूह भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, हम सबको कृतार्थ कीजिएगा। इस पर रामचंद्र जी ने अंजना देवी से कहा, माता जी अगर मैं अभी आऊँ तो समय बीत जाएगा, लंका से लौटते समय मैं यहाँ आऊँगा और रहूँगा। श्री राम जी के वचन सुनकर मारुति ने प्रणमित होकर कहा, वानर सेना कुछ थकी दिखाई दे रही है, कुछ किसी एक स्थान पर विश्राम करना आवश्यक है, पर्वत भी मार्ग में ही है। इतना ही नहीं, यह पुष्पवन फलों से भी भरा है, अनेक श्रवंतियों से विराजमान है, यहाँ सुस्वाद पूर्ण कंद मूल है, वृक्षों पर मधु मिलती है, इसे ध्यान में रखकर हमें आज्ञा दीजिएगा। श्री रामचंद्र ने हनुमान के मन की बात समझी, वे हनुमान की माता अंजना देवी की मनोकामना को भी पूरा करना चाहते थे, तो वेंकटाद्री पर विश्राम करने का निर्णय लिया। तो वहाँ विश्राम
के समय श्री रामचंद्र जी ने तपस्यारत निर्लोम नामक विप्र की पूजा सेवा स्वीकार की। निर्लोम ने पहले ब्रह्मा की तपस्या की थी। प्रत्यक्ष होकर ब्रह्मा ने उससे वर मांगने के लिए कहा। विप्र ने ब्रह्मलोक प्राप्ति का वर मांगा। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण समेत यहाँ आने वाले हैं, उनकी अनुमति से ही तुम ब्रह्मलोक पहुँच सकते हो। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार श्री राम जी ने निर्लोम की पूजा को स्वीकारा और उसे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दी। तत्पश्चात आकाश गंगा तीर्थ में रहने वाली अंजना देवी के आश्रम में गए और उनकी पूजाएं स्वीकार की। तदुपरांत स्वामी पुष्करणी पहुँचे। वहाँ सौमित्री, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान, नील आदि के साथ पुष्करणी स्नान किया और पुष्करणी की नैऋति दिशा में एक पर्णशाला का निर्माण करवाकर फल भक्षण किया। वानर समूह ने भी वहाँ प्राप्त फल और मधुपान किया और विहरण का आनंद और शांति समन दोनों उनको मिले। तो गोविंद नाम स्मरण से तो तमाम पापों का हरण हो जाता है और इस पुण्य धाम में तो विजयप्रद होकर भक्त ईश्वर से तो वही कामना करते हैं कि वे उनकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करें। तो ऐसे विशिष्ट भक्तों की इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री श्रीनिवास का हम दर्शन कर रहे हैं। धर्माय शूर्पणखाङ्गहरणाय
ಧ್ವನಿ ಸಂಭವ ಸೈನ್ಯ ದಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ತರಣಿ ಸಂಭವ ಸೈನ್ಯ ದಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಿರುಪಮ ಮಹಾವಾರಿ ನಿಧಿ ಬಂಧನಾಯ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರಾಯ ರಾಘವಾಯ ನಮೋ ಸೌಜನ್ಯ ನಿಲಯಾಯ ಜಾನಕೀಶಾಯ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಯ. ಜಯ ಜಯ ಸುರ ನಾಯಕ ಜನ ಸುಖದಾಯಕ ಪ್ರಣತ ಪಾಲ ಭಗವಂತ ಗೋದ್ವಿಜ ಹಿತಕಾರಿ ಜಯ ಅಸುರಾರಿ ಸಿಂಧು ಸುತ ಪ್ರಿಯಕಂತ ಭಜೆ ಸಶಕ್ತಿ ಸಜಾನು ಶಚೀಪತಿ ಪ್ರಿಯಾನುಜಂ ಭಜಾಮಿ ಭಾವವಲ್ಲಭಂ ನಮೋ ಹನುಮಂತ. ರಾಮ ನಾಮ ಕಾ ಜಪ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಹಮೇ ಅನೇಕ ಲಾಭ ಮಿಲ್ತೆ ಹೇ. उसका आध्यात्मिक लाभ तो है ही और इसका वैज्ञानिक लाभ भी मिलता है. कहते हैं राम जो है शब्द में रा अग्नि का स्वरूप है जो दुष्कर्मों का दाह करता है. माँ जल तत्व है, जल आत्मा की जीवात्मा पर विजय का कारक है. सियाराम दर्श का तार यही भजो एनम देवता भिर देवता भिर एनम एनम देवता भी इंद्रियेन विवि इंद्रियेन इंद्रियेन वि अर्धये यमिति चर्धये यमर्धये यमिति अग्निष्ठान्तस्य तस्य अग्निष्ठाम अग्निष्ठान्तस्य ತಸ್ಯಾಶ್ರಿಮಶ್ರಿಂತಸ್ಯದಸ್ಯಾಶ್ರಿಂ ಆಹವನೀಯಾದಿತ್ಥಮಿತ್ಥಮಾಹವನೀಯಾದಾಹವನೀಯಾದಿತ್ಥಂ ಭೀಷಣ ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಹೇ ಹನುಮಾನ್ ಆಪ್ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ. हे मारुति नंदन आपको बार बार प्रणाम करते हैं. हे प्रभो राम के भक्त आपको मेरा स्नेह भरा अभिवादन है. हे प्रभु आपका मुख श्याम वर्ण का है, आपको इस विभीषण का बार बार नमस्कार समर्पित है. इस प्रकार अनेक देवताओं से वंदित हैं. तो हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, आप हर समय श्री रामचंद्र की के भक्ति में ही संलग्न रहते हैं. दक्षिण दिशा को प्रकाशित करने में आप ही सूर्य के समान प्रकाशित हैं. सैकड़ों चंद्र की भांति आपका शरीर दिव्य कांतिवान है. आप भक्तों के आघात व्यथा के नाशक हैं, समस्त कष्टों के निवारक हैं. भगवान श्री राम की आज्ञा से महाभारत के समय में अर्जुन मैत्री भाव के संस्थापक विजयवान, भक्त गणों के विजय प्रदाता किल किला और बबुक के उच्चारण द्वारा भयंकर शब्द करने वाले सांप अग्नि एवं व्याधि के स्तंभक हैं. वन में विचरण करने वाले जंगली फलों के आहार से अधिक संतुष्ट होने वाले और महासागर पर शिलाखंडों के द्वारा सेतु का निर्माण करने वाले हैं. आप हे महाप्रभो आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं. हे दयालु हनुमान जी, अक्षय कुमार के प्राणहर्ता हैं, ब्रह्मपाश के निवारक हैं, श्री लक्ष्मण के वदन में महाशक्ति के आघात को उत्पन्न हुए कष्टों के विनाशक, दानव दुश्मन के भूत प्रेतों के सहायक एवं रीछ और वानर वीरों के समुदाय के जीवन हैं. हे पवन पुत्र श्री हनुमान, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं. आप अति बलवान हैं, शत्रुओं के विनाशक हैं, अपने भक्तों के महान रक्षक हैं. हे महान पुरुष आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं. कृष्ण राम गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण, राम कृष्ण गोविंद नारायण.
ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಓಂ ನಮೋ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಕೇ ಚರಿತ್ರ ಕೇ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ನೆ ಬಹುತ್ ಕುಛ್ ಸುನಾ ಹೈ ಹನುಮತ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಭೀ ದಾಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಭೀ ಅನುಪಮ ಹೈ ಬೇಜೋಡ್ ಹೈ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಿಲಕ್ ಕೇ ಸಮಯ ಅನೇಕ ಉಪಹಾರ ದಿಯೇ ಜಾ ರಹೇ ಥೇ ಸಬ್ಕೋ ತೋ ಮಾತಾ ಸೀತಾ ನೇ ಉನ್ಕೋ ಏಕ್ ಮುಕ್ತಕ ಹಾರ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ तो हनुमान जी ने उसे परखा जाना और उसे कुतर कर देखा लेकिन उसमें से उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। सीता माता को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो हनुमा। उन्होंने कहा कि हे माते, इसमें तो मेरे राम का निवास नहीं है। तो इतनी भक्ति है उन्हें, हमेशा वे राम के साथ ही रहना चाहते हैं, राम का दर्शन करना चाहते हैं। तो सीता माँ बहुत ही प्रसन्न हुई और उनको वरदान दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुवर दीन जानकी माता। तो जानम की माता के वर पुत्र हैं ये, वरद प्राप्त हैं, उनके संताप को हरने वाले हैं। ऐसे महान सुंदर स्वामी के दास और सभी के रक्षक हैं, वे हम सब के भी रक्षक हैं। और भगवान का नाम जपने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं श्री राम ने कहा है, तुम्हारे भजन से राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हे अनुज सुनो, ये चतुरता से मर्यादा से वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे स्वयं श्री राम ने अपने अनुज भरत कहा। कहते हैं असुर निंद के राम दुलारे, ऐसे प्रिय दास हैं जो बहुत ही राम के दुलारे हैं। ऐसे हम हनुमान की अगर आज हम उनके दर्शन करें, उनकी स्तुति करें, उनको आदर्श मानकर चलें, तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। तुलसी तो हनुमान की उपासना से जग में दुर्गम और दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा,
तुम रक्षक काहे को डरना, तुम्हारे अगर तुम हमारे रक्षक बने तो हमें क्या और क्या चाहिए, हमें और किसी की आवश्यकता ही नहीं। हनुमान उपासना करने से अच्छे मित्र की प्राप्ति होती है। सुग्रीव और राम की मैत्री इसका उत्तम उदाहरण है। हनुमान के कारण ही दोनों में मैत्री हुई, एक दूसरे के सहायक बने। विभीषण ने इनकी बात मानी और राम से मित्रता की और राजपद पाया, और लंकेश्वर ने इनकी सलाह को अनसुनी कर दी और सब कुछ चला गया, उनका सत्यानाश हुआ। तो कहते हैं कि श्री राम और हनुमान दर्शन से हमें सभी सुख मिलते हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति की, हे केशरी नंदन पूज्य हनुमान जी, आप महारानी देवी सीता माता के शोकों के निवारक हैं। भगवान श्री राम की मुद्रिका लेकर लंका ले जाने वाले हैं, रावण के वंश के विनाशक हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार। हे भक्त शिरोमणि हनुमान जी, आप पवन पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ वीर हैं, गगन के मध्य विचरण करने वाले हैं और अशोक वाटिका के रक्षकों के सिर पर धड़ से अलग करके लंका की अट्टालिकाओं को चूर्ण करने वाले हैं। आपकी शरीर की कांति तप्त वर्ण के समान है, आपकी पूंछ लंबी है और आप सुमित्रानंदन लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने वाले हैं। ऐसे श्री राम भक्त हनुमान को मेरा पुनः पुनः नमस्कार। हे भगवान, आपको पुनः पुनः नमस्कार। आरती कीजिए हनुमान लाल की, उष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बने सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु, सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु, शमद मगतटे जय मंगलमु, सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु, शमद मगतटे जय मंगलमु, सुमुख मंगलमु शुभ मंगलमु। चतुर नमोते ज
రామన మగతే జయ మంగళము సుముఖ మంగళము శుభ మంగళము. యోంత ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర సదా న్యాంశ్చ హస్త చరణ శ్రవణ త్వగాది నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద స్పృశత స్పృశత్ తదస్పృశ
प्रहरति प्रहरति मथित्वा मथित्वा प्रहरति हरत्यतिरिक्तमतिरिक्तं प्रहरति प्रहरत्यतिरिक्तं हरतीति प्रहरति अतिरिक्तमेतदेतदतिरिक्तमतिरिक्तमेतदतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् लभ्यमालभ्यमन्यदन्यदालभ्यमालभ्यमविन्दन्नविन्दन्नालभ्यमालभ्यमविन्दन्नालभ्यमित्या
ओम नमो नारायण।